23वें फिल्मफेयर अवार्ड समारोह का आयोजन तब के बॉम्बे और अब के मुंबई में 30 मार्च 1976 में हुआ। इस अवार्ड समारोह में 19 कैटेगरी में 21 अवार्ड दिए गए। पॉपुलर अवार्ड से पहले एक नज़र डाल लेते हैं स्पेशल अवार्ड्स और टेक्निकल कैटेगरी के विनर्स पर। नमस्कार दोस्तों, किशोर कहता है कि मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं एलन माइकल किशोर। चलिए अब देखते हैं पॉपुलर कैटेगरी में कौन कौन हुए नॉमिनेट और कौन बने विनर्स। बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे असरानी दो फिल्मों के लिए। फिल्में हैं शोले और रफू चक्कर। महमूद फिल्म कैद के लिए। देवेन वर्मा फिल्म चोरी मेरा काम के लिए और कैस्ट्रो मुखर्जी फिल्म काला सोना के लिए। अवार्ड देवेन वर्मा को मिला फिल्म चोरी मेरा काम के लिए। मरने की एक्टिंग तो खूब की थी तुमने। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे निरूपा रॉय फिल्म दीवार के लिए, अरुणा ईरानी फिल्म दो झूठ के लिए, प्रेमा नारायण फिल्म अमानुष के लिए, नादिरा फिल्म जूली के लिए और फरीदा जलाल फिल्म मजबूर के लिए। अवार्ड नादिरा को मिला फिल्म जूली के लिए। तुम्हारा आजाद इंडिया में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे प्राण दो फिल्मों के लिए। फिल्में हैं मजबूर और दो झूठ। शशि कपूर फिल्म दीवार के लिए, उत्पल दत्त फिल्म अमानुष के लिए और अमजद खान फिल्म शोले के लिए। अवार्ड शशि कपूर को मिला फिल्म दीवार के लिए। मेरे पास माँ है। बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेशन थे आनंद बख्शी फिल्म दुल्हन के लिए। गीत है आएगी जरूर चिट्ठी, आनंद बख्शी फिल्म शोले के लिए। गीत है महबूबा महबूबा। इंदिवर फिल्म अमानुष के लिए। गीत है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। विश्वेश्वर शर्मा फिल्म सन्यासी के लिए। गीत है चल सन्यासी मंदिर में। और गुलजार फिल्म आंधी के लिए। गीत है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अवार्ड इंदिवर को मिला फिल्म अमानुष के लिए। गीत है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्बादी की तरह। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे आर डी बर्मन दो फिल्मों के लिए। फिल्में हैं शोले और खेल खेल में। शंकर जयकिशन फिल्म सन्यासी के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म दुल्हन के लिए और राजेश रोशन फिल्म जूली के लिए। अवार्ड राजेश रोशन को मिला फिल्म जूली के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए नॉमिनेशन थे आशा भोसले फिल्म खेल खेल में के लिए। गीत है सपना मेरा टूट गया। आशा भोसले फिल्म अमानुष के लिए। गीत है कल के अपने। सुलक्षणा पंडित फिल्म संकल्प के लिए। गीत है तू ही सागर है। उषा मंगेशकर फिल्म जय संतोषी माँ के लिए। गीत है मैं तो आरती उतारूं रे। और प्रीति सागर फिल्म जूली के लिए। गीत है माय हार्ट इज़ बीटिंग। अवार्ड सुलक्षणा पंडित को मिला फिल्म संकल्प के लिए। गीत है तू ही सागर है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए नॉमिनेशन थे किशोर कुमार फिल्म अमानुष के लिए। गीत है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
किशोर कुमार फिल्म खुशबू के लिए, गीत है ओ माझी रे। किशोर कुमार फिल्म फरार के लिए, गीत है मैं प्यासा तुम सावन। मन्ना डे फिल्म सन्यासी के लिए, गीत है क्या मार सकेगी। और आरडी बर्मन फिल्म शोले के लिए, गीत है महबूबा महबूबा। अवार्ड किशोर कुमार को मिला फिल्म अमानुष के लिए, गीत है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बर्बादी की तरह। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे सुचित्रा सेन फिल्म आंधी के लिए, जया बच्चन फिल्म मिली के लिए, हेमा मालिनी दो फिल्मों के लिए। फिल्में हैं सन्यासी और खुशबू। और लक्ष्मी फिल्म जूली के लिए, अवार्ड लक्ष्मी को मिला तो फिल्म जूली के लिए। अंकल, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे संजीव कुमार दो फिल्मों के लिए, फिल्में हैं आंधी और शोले। मनोज कुमार फिल्म सन्यासी के लिए, उत्तम कुमार फिल्म अमानुष के लिए, और अमिताभ बच्चन फिल्म दीवार के लिए। अवार्ड संजीव कुमार को मिला फिल्म आंधी के लिए। अच्छे तोतले तोतले खत लिखती है वहां से। बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे सोहन लाल कंवर फिल्म सन्यासी के लिए, यश चोपड़ा फिल्म दीवार के लिए, गुलजार फिल्म आंधी के लिए, रमेश सिप्पी फिल्म शोले के लिए, और शक्ति सामंत फिल्म अमानुष के लिए। अवार्ड यश चोपड़ा को मिला फिल्म दीवार के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए जो फिल्में नॉमिनेट हुई वो हैं दीवार, शोले, आंधी, अमानुष और सन्यासी। अवार्ड गुलशन राय द्वारा निर्मित फिल्म दीवार को मिला। ये हैं 23वें फिल्मफेयर अवार्ड से जुड़ी कुछ खास बातें। 7 अवार्ड जीतकर फिल्म दीवार सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी। 3 अवार्ड जीतकर फिल्म जूली दूसरे नंबर पर रही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में जिक्र होगा 24वें फिल्मफेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस और विनर्स का। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।